मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी। डिंडोरी में प्रमुख रूप से बैगा जनजाति निवास करती है। आजीविका के लिए पारंपरिक खेती या जंगली उत्पादों पर निर्भर बैगा रूढ़िवादी सोच और परंपराओं में यकीन रखते हैं एवं स्थानांतरित कृषि करके जीवन यापन करते हैं। खरीफ के दिनों में बैगा आदिवासी कोदो कुटकी को पुराने समय से ही प्रमुख फसल के रूप में उगाते रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए आदर्श फसल भी है। लेकिन पुराने अनाज को ही बीज के रूप में लगातार इस्तेमाल से उत्पादन कम होने और फसल का उचित दाम ना मिलने की वजह से धीरे धीरे उन्होंने इसे बोना बंद कर दिया। लेकिन वर्ष 2014 में तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत डिंडोरी के महेंद्वानी ब्लॉक में गठित नारी चेतना महिला संघ ने इस समस्या को देखा और लगभग लुप्त हो रही कोदो कुटकी की फसल को बचाने, इसके पोषक एवं चिकित्सीय महत्व को लोगों तक पहुंचाने एवं बैगा जनजाति को खाद्य सुरक्षा देते हुए इसे उनकी आय का साधन बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर तेजस्विनी को भेजा। सिर्फ हमारे यहाँ कोदो कुटकी सबसे अधिक होती है और मक्का। पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो अनाज के भंडारण रहते उसी से बीज निकाले, दाना निकाले और उसी को बीज बीज समझ के और उसी को बो देते रहे। बीज का कोई पता ही नहीं था, बीज भी उसी में, कचड़ा भी उसी में, तो उसमें कम फायदा है। इसलिए हमारे यहाँ जो घर के लोग थे वो कोदो कुटकी बोना बंद कर दिए थे। सभी दीदी ने तैयार हो गए कि हम लोग कोदो कुटकी की खेती करेंगे, क्योंकि ये विलुप्त प्रजाति थी, विलुप्त होती जाती रही। हम लोग ये निर्णय लिए कि लुप्त प्रजाति को हम फिर से खड़ा करेंगे और इसको हम ऐसा जगह ला के खड़ा करेंगे, उसको हम मार्केटिंग दिलाएंगे। पहले हम एक ही बोरा में, लेकिन जब हम लोग किए उन्नत तरीके से तो हमारे यहाँ 1.5 से 3 बोरा तक का मुनाफा हुआ। फेडरेशन द्वारा कोदो कुटकी की उन्नत कृषि के लिए लगभग 1500 महिला किसानों को तैयार किया गया। उन्हें नए एवं उन्नत बीज उपलब्ध करवाए गए, कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया एवं फसल का पोषक महत्व बताते हुए उनके कुल 750 एकड़ जमीन पर उन्नत तकनीक से खेती करवाई गई। और इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग की प्रणाली अपनाते हुए इन महिला किसानों को लगभग 40 लाख का मुनाफा हुआ। आज महेंद्वानी ब्लॉक के लगभग 7000 किसान परिवार फेडरेशन से जुड़ चुके हैं और कोदो कुटकी को खेती के रूप में अपनाकर आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। न केवल महेंद्वानी बल्कि आसपास के समनापुर और शाहपुरा ब्लॉक के किसान भी आज फेडरेशन से परामर्श एवं बीज प्राप्त करने आ रहे हैं। इस तरह कोदो कुटकी को आय का प्रमुख साधन बना के इन महिलाओं को खाद्य सुरक्षा तो मिल चुकी थी, लेकिन रोजमर्रा के आहार में उन्हें व उनके परिवार को सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन द्वारा 7 दिन 7 घर कार्यक्रम भी शुरू किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला द्वारा घर में 7 क्यारियां बनाकर 7 तरह की पोषक सब्जियां उगाई जाती हैं और उनका सेवन किया जाता है। घर में उगाई वो सब्जियां सही तरीके से भोजन की थाली में भी पहुंचे, इसके लिए फेडरेशन द्वारा तिरंगा थाली लेने की सलाह दी गई। यानी दाल, चावल और हरी सब्जियों से सजी यह थाली प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों से भरी होती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बैगा जनजाति के लिए सभी प्रयास आज महिलाओं के लिए वरदान बन चुके हैं, जिन्हें अपनाकर ये सभी तेजस्विनी महिलाएं विकास की एक नई कहानी लिख रही हैं।